राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। विदिशा, कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उदयगिरी पॉइंट पर उठा मील के नजदीक वाहन क्रमांक MP04TA1336 बोलेरो को रोका, जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके पास से दो अलग अलग स्थानों पर कुल 100 किलो गांजा जब्त किया गया। एसपी विकास पांडे ने बताया कि बोलेरो के पीछे बॉडी को खोलकर उसमें 60 किलो गांजा अलग अलग पैकेट में रखा हुआ था। वहीं 40 किलो गांजा ड्राइवर की सीट के आसपास छुपा कर रखा गया था। गांजे की कीमत 25 लाख बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में 35 वर्षीय अंकेश और अंकित अहिरवार निवासी भोपाल और 19 वर्षीय सुभाष नगर विदिशा निवासी जुबेर को पकड़ा गया। सीएसपी ने बताया कि यह आरोपी गांजे को लेकर आए थे। उनसे बारीकी से पूछताछ की जा रही है कि गांजा कहां से लाए हैं और किसको डिलीवर करने जा रहे थे। इसमें पूरी चेन को पकड़ा जा सकता है। वाहन किसके नाम है उसे भी पकड़ा जा सकता है। एसपी विकास पांडे ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए कोतवाली टीआई वीरेंद्र झा और उनकी टीम को पुलिस अधीक्षक की ओर से 10,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की गई। एचक्यू की तरफ से अभियान चल रहा है नशा मुक्ति का। इसी के तहत हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति बोलेरो गाड़ी में गांजा लेके जा रहा है। तो इसके लिए उदयगिरी पॉइंट पे चेकिंग लगाई गई थी, जहां पे उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उस गाड़ी की जब चेकिंग की गई तो गाड़ी के पिछले हिस्से में स्पेशल एक कैबिनेट बनाया गया था, जहां से लगभग 60 किलो गांजा मिला और ड्राइवर सीट के आजू बाजू वाली जो गेट है वहाँ से 40 किलो गांजा बरामद हुआ है। क्या पहले भी इन लोगों पर कोई मामले दर्ज हैं और ये कहाँ बेचने जा रहे हैं? अभी ये तफ्तीश जारी है, इसके बारे में और जानकारी लगेगी तो आपको सूचित करेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नहीं, इस बार पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस चीज़ का लिंक निकाला जाए कि ये व्यक्ति लोग कहाँ से माल लेके जा रहे थे और कहाँ सप्लाई कर रहे थे। तो पूरी कोशिश रहेगी कि जो इनके पीछे के सरगना हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। टोटल 30 लाख के आसपास का। विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। राजधानी ब्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज़, राजधानी ब्यू।